जय हिंद दोस्तों। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली हुई है। ये वैकेंसी 21,002,126 पदों पर वैकेंसी है और इसके फार्म जो भरे जाएंगे वो ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। सबसे पहले कितनी पोस्टें हैं वो बता देते हैं। विकास अधिकारी की जो पोस्ट है 108 पोस्ट है और सैलरी रहेगी इसकी ₹25,000 पर मंथ। इसके बाद इसके साथ साथ वाहन भत्ता भी मिलेगा, वो कितना मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगा। सहायक विकास अधिकारी की 324 पोस्ट हैं जिसमें कि ₹22,000 सैलरी मिलेगी। पशु सेवक की 1620 पोस्ट हैं जिसमें ₹20,000 सैलरी मिलेगी। इनमें तीनों में वाहन भत्ता भी मिलेगा, वो मैं आगे बताऊंगा कितना है किसका। इसके बाद पशु पालक उन्नत केंद्र संचालक की वैकेंसी 33 है, ₹15,000 सैलरी मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की 21 वैकेंसी है, ₹15,000 सैलरी मिलेगी। इसके बाद बता दें एक पोस्ट के लिए एक आवेदन किया जा सकता है। अगर दो पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो आवेदन करने पड़ेंगे। इसके बाद जो इसमें फार्म भरे जाएंगे अपूर्ण यानी कि पूरा ठीक से भरना है, गलत फार्म भरने पर आपकी खुद जिम्मेदारी होगी। विकास अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक मांगी गई है, लेकिन एक्स सर्विसमैन है तो 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें वैलिड है। इसके बाद विकास अधिकारी के साथ बाद में सहायक विकास अधिकारी की 12वीं पास मांगा गया है, 12th पास होना जरूरी है और मार्केटिंग के क्षेत्र में जिसको अनुभव है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। इसके बाद पशु सेवक की वैकेंसी में 10वीं पास मांगा गया है, 10वीं पास होना जरूरी है। इसमें भी अगर मार्केटिंग का डिप्लोमा है तो वरीयता दी जाएगी। बाकी 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी वैकेंसियां हैं तो जरूर अप्लाई करें। 10वीं पास के साथ साथ डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। इसके बाद पशुपालक उन्नत केंद्र के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें बता दें कि कंप्यूटर की सर्टिफिकेट किसी भी टाइप की है तो वो भी चलेगी और ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है इसमें, चाहे CCC सर्टिफिकेट हो या कंप्यूटर की और भी कोई सर्टिफिकेट हो, 3 महीने कोर्स वाली सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की 12वीं पास होना जरूरी है और कंप्यूटर का काम करना आना चाहिए, उसको वरीयता दी जाएगी। इसमें बता दें कि अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। इसमें जो उम्मीदवार इसमें फार्म भरेंगे इसमें अपने जिस क्षेत्र में आप अप्लाई करेंगे अपने क्षेत्र में अप्लाई करेंगे उसी क्षेत्र में आपको अवसर दिया जाएगा जॉब का, यानी कि फील्ड जॉब है। 3 जो पोस्ट हैं स्टार्टिंग की वो फील्ड जॉब है, बाकी 2 पोस्ट आपकी उधर ही स्टैटिक जॉब है। आयु सीमा की बात करें विकास अधिकारी के लिए 25 से 45 वर्ष, सहायक विकास अधिकारी के लिए 21 से 40 वर्ष, पशु सेवक के लिए 21 से 40 वर्ष, पशुपालन पालक उन्नत केंद्र के लिए संचालक के लिए 21 से 40 वर्ष, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 21 से 30 वर्ष की आयु चाहिए। इसके बाद इसमें जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 10 दिसंबर 2022 है, 10 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई किया जा सकता है। विकास अधिकारी के लिए जो फीस लगेगी सभी वर्गों के लिए फीस समान है, क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी है तो इसमें किसी तरह की फीस में किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। विकास अधिकारी के लिए ₹945, सहायक विकास अधिकारी के लिए ₹828, पशु सेवक के लिए ₹708 और पशु उन्नत केंद्र संचालक के लिए ₹591 फीस है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए ₹591 फीस है। इसमें GST भी शामिल है, आपको अलग से GST पेड करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्लियर दिया हुआ है ये निजी कंपनी है, निजी कंपनी लिमिटेड कंपनी है, इसमें आवेदन शुल्क सभी को समान है, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। पद में क्या काम करने हैं इसका भी इसमें दिया हुआ है, क्या काम करने हैं। विकास अधिकारी जो पहली पोस्ट है, विकास अधिकारी को स्वस्थ पशु सुरक्षित पशु पालक योजना के तहत पशु पालकों को लाभ पहुंचाना है, इसके बारे में जानकारी देना है, ये काम रहेगा। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में 45 आपको कम से कम 1 महीने में इसके एडमिशन कराने हैं, यानी कि प्रवेश दिलाना है पशुपालन क्षेत्र में। इसके बाद अधिकार क्या रहेंगे, 3 आपके सहायक विकास अधिकारी रहेंगे, आपके अंडर 3 सहायक विकास अधिकारी, यानी कि विकास अधिकारी के नीचे जो
तीन सहायक अधिकारी रहेंगे, उनको ये काम करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट बता दें कि इसमें जो सैलरी मिलेगी, सैलरी रहेगी 25,000 रुपये प्लस 10% हर साल आपका बढ़ा करेगा, यानी कि 10% की बढ़ोतरी होगी हर साल। 3,000 रुपये वाहन भत्ता अलग से मिलेगा आपको। लक्ष्य अगर नहीं प्राप्त किया जो आपने इसमें दिया गया है तो वाहन भत्ता आपको नहीं मिलेगा। इसमें सहायक विकास अधिकारी के लिए बता दें, स्वस्थ पशु सुरक्षित पशुपालन योजना के तहत इसमें भी पशुपालकों को इसका लाभ देना और इसके बारे में जानकारी देना है। इसमें प्रत्येक महीने इनको काम करना है, प्रवेश 15 प्रवेश दिलाने हैं, यानी कि तीन जो विकास अधिकारी रहते हैं सहायक विकास अधिकारी, उनको 15-15 यानी कि 45 प्रवेश दिलाना होता है। इनके अंदर 5 पशुपालक सेवक पशु सेवक रहेंगे जो कि इनके अंदर काम करते हैं। इसके बाद अभी बता देते हैं कि इसमें सैलरी जो रहेगी 22,000 रुपये पर मंथ रहेगी और 10% बढ़ोतरी होगी, 2,000 रुपये वाहन भत्ता मिलेगा इस पोस्ट के लिए। इसके बाद पशु सेवक के लिए बता दें, पशु सेवक का भी वही काम है, पशु योजना का प्रचार प्रसार करना ग्राम पंचायत में, यानी कि इनको इनके अंडर 3 ग्राम पंचायत रहेंगी पशु सेवक के अंदर, तो इन ग्राम पंचायतों को इसका जानकारी देना है और 3 प्रवेश दिलाना है, हर ग्राम पंचायत से 1 प्रवेश दिलाना है। इनकी सैलरी रहेगी 20,000 रुपये पर मंथ और 10% सालाना की वृद्धि होगी, 1,000 रुपये वाहन भत्ता मिलेगा 3 गांव के घूमने के लिए, पर मंथ 1,000 रुपये वाहन भत्ता मिलेगा। ये थी फील्ड की जॉब। अब वो परमानेंट उनके ऑफिस में जॉब जो रहेगी, पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक की जो जॉब रहेगी वो स्टैटिक रहेगी। ये जॉब के लिए 15,000 रुपये सैलरी है, 10% सालाना वृद्धि होगी, इसमें वाहन भत्ता नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये स्टैटिक जॉब है। इसके बाद बता दें, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब जो रहेगी इसमें भी स्टैटिक जॉब रहेगी। इनका काम क्या रहेगा, सोशल मीडिया में इनका प्रचार प्रसार करना, यानी कि इसमें जो सोशल मीडिया में जो प्रचार प्रसार करेंगे उनको, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट इनके कंपनी के हैं उसमें जो भी इनके मैसेज होते हैं उनको भेजना होता है। यूट्यूब चैनल भी एक होता है इनका, यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको प्रचार प्रसार करना है। जैसे कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है और मैं इसी को करता हूँ, उसके माध्यम से मैं इसका प्रचार प्रसार करता हूँ, यानी कि आप घर बैठे भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट हैं इसकी जानकारी देना, न्यूज और अपडेट इसकी देना है, डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित जानकारी आपको सोशल मीडिया में प्रोवाइड करानी है। इसकी सैलरी रहेगी 15,000 और 10% हर साल आपकी बढ़ोतरी होगी, तो 10% हर साल जब बढ़ती है तो काफी सैलरी बढ़ जाती है, तो स्टार्टिंग में जरूर कम रहती, बाद में काफी हो जाती है। इसके बाद बता दें कि इसमें जो ये निगम होता है, इसमें अगर अलग से आपको स्टेशनरी लेनी है तो निगम की परमिशन लेना जरूरी है। किसी तरह का खर्चा आपको लेना है तो निगम की परमिशन होना जरूरी है, तभी आपको खर्चा मिलेगा। इसका जो फील्ड की जॉब है उसमें 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा भी निःशुल्क दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। चयन की प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले पहले फॉर्म अप्लाई करना है और इसके बाद इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, एक लिंक आएगा, उसके थ्रू आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं, जन सेवा केंद्र में जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड देना है। इसके लिए आपको मेल आएगा, मेल में आपको बताएंगे किस दिन एग्जाम है, कितने बजे है और कब आपका पासवर्ड क्या है, यूजर आईडी क्या है, उसके थ्रू आप लॉगिन करके आप अपना एग्जाम देंगे। 30 मिनट का टाइम होगा और 50 क्वेश्चन होंगे, ये 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क का होगा। तो एग्जाम का ये पैटर्न रहेगा, 36% नंबर लाना जरूरी है एग्जाम में, तभी आपका सिलेक्शन होगा, मिनिमम 36% नंबर होना जरूरी है। इसके बाद बता दें, परीक्षा का स्थान, आप किसी भी साइबर कैफे में जाके लैपटॉप या मोबाइल पे भी आप एग्जाम दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड और मोबाइल से भी एग्जाम दिया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसमें भी नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका आवेदन कैसे करेंगे पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। एक मैंने पिछले 6 महीने पहले वीडियो बनाया था इसी का, उसमें भी आवेदन प्रक्रिया बताई थी, कैसे आवेदन करेंगे, हस्ताक्षर कैसे अपलोड करेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, ये सारी जानकारी उसमें दी हुई है। अगर आपको देखना है तो वो वीडियो भी देख लें, नहीं तो ये मैं लिंक भी दे दूंगा, इसके थ्रू आप अप्लाई कर लें। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा
और परीक्षा का पैटर्न आपको देखना है तो इसमें पैटर्न भी मिल जाएगा। सारा पैटर्न हिंदी इंग्लिश सबका दिया हुआ है और आप इसका पैटर्न आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम होता है जो कि आपको मोबाइल से भी दे सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर से भी दे सकते हैं। परीक्षा का परिणाम आप जैसे एग्जाम खत्म करेंगे 30 मिनट बाद तुरंत आपका एग्जाम उसी टाइम आ जाता है, एग्जाम का रिजल्ट, यानी कि 36 मार्क होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा, यानी कि आप सक्सेसफुल सबमिट कर दिया है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 36 मार्क होने ही चाहिए, 36%। ऑनलाइन एग्जाम का सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं 10-10 मार्क का हिंदी है, भारत में कृषि पशुपालन विभाग के बारे में आएगा, कौशल विकास के बारे में आएगा, विपणन के बारे में आएगा, कंप्यूटर के सिद्धांत के बारे में आएगा, कंप्यूटर के बारे में आएगा। इसके बाद निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 36 मार्क ऑटोमेटिक आ जाते हैं, कोई सारे क्वेश्चन कर दो 36% नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। हिंदी में क्या सिलेबस रहेगा ये भी जानकारी इसमें दी है, सारी जानकारी दी है, पूरा इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, अप्लाई करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जिसको अप्लाई करना है जरूर अप्लाई करें। हिंदी और इंग्लिश सारी जानकारी इसमें दी हुई है इस नोटिफिकेशन में। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद।